हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल कुक विद एजीआर में। आज मैं बनाऊंगी व्रत की थाली, तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बना लूंगी साबूदाने की खीर। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने आधे कटोरे साबूदानों को भिगो दिया था, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तकरीबन आधा कटोरा, और इसमें साबूदाना डाल दूंगी। थोड़ा सा साबूदाना मैंने बचा लिया है किसी काम के लिए, तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में देखिएगा साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लगेगी। ऐसे तो पानी में, बिना पानी के भी आप बना सकते हैं, सिर्फ दूध में ही, पर इस तरह से दूध फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। तो देखिए, यहाँ पे साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ मैंने दही लिया हुआ है रायता बनाने के लिए। देखिए बहुत ही स्मूथ हो गया है, इसको मैंने सेक लिया है। इसमें मैं शुगर पाउडर डालूंगी, जरा सा व्रत वाला सेंधा नमक। सब भुना हुआ जीरा अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। थोड़ा पे यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे। चटपटा सा दही का रायता हमारा तैयार है। यहाँ पे साबूदाने खीर हमारी अच्छे से उबल रही है, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर। तो मैं इसमें स्वाद अनुसार शुगर डालूंगी। बहुत ज्यादा मीठा हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो 2 चम्मच मैंने डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको चलाते हुए थोड़ी देर और पका लेंगे। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो अच्छे से देखिए, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। शुगर को मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने साबूदाना बचा के रखा हुआ था, इसमें मैं जरा सा आलू डालूंगी, जरा सा हरा धनिया डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, जरा मैं यहाँ पे एक टुकड़ा आटा डाल दूंगी, इसमें व्रत वाला नमक डालेंगे। अब अच्छे से इन सबको मिक्स कर देंगे। तो खीर यहाँ बन के तैयार हो गया, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। इसमें जरा सा कच्चा जीरा डालेंगे और जरा सी कुटी हुई काली मिर्च डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो हम बना रहे हैं साबूदाने की कुरकुरी टिक्की। यहाँ पे कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया और एक एक करके मैंने टिक्कियाँ जो बना के रखी उसे डाल देंगे। फ्रेंड्स, व्रत में बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और एनर्जी सारा दिन रहेगा, क्योंकि साबूदाने बहुत ही ज़्यादा फाइबर एनर्जी होता है, टेस्टी होता है। थोड़ी देर इसे पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टिक्कियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुट्टू का आटा ले लिया है, इसमें आलू डाल दूंगी। आलू को मैंने कद्दूकस कर रखा हुआ है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आटे को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है, इसे गोल कर लेंगे। एक भाग को लेंगे, इस तरह प्लास्टिक पे रखेंगे। प्लास्टिक में तेल लगा दिया है और एक प्लेट लेके इसको इस तरह से दबा लेंगे। इस तरह से देखिए बन के तैयार हो गया, बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसे फटता भी नहीं है। मैं इसको तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अच्छे से देखिए फ्राई हो गया, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फूल भी गया है। ऐसे तो जल्दी ये आटे का पूरी फूलता नहीं है, मगर ये काफ़ी अच्छे से फूल गया, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से फूल गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। बाकी बचे हुए जो है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। आलू की सब्जी बना लूँगी, इसे मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, जरा सा कच्चा जीरा,
और मैंने यहाँ दो आलू लिए हैं, उबाल करके मैं निकाल लूँगी। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। मैं ब्रश वाला नमक डालूंगी, अगर आप खाते हो तो दोनों से डालूंगा। जरा सा पिसा हुआ जीरा भुना हुआ है, ये जरा सा काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया, अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनके तैयार हो गई हमारी व्रत वाली थाली शिवरात्रि व्रत में। अगर आपको पसंद आए तो इस तरह से बनाइएगा, अपने परिवार को खिलाइएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।